नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉबल प्लान के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DPEd एडमिशन 2020-21 जिसके एडमिशन विज्ञप्ति निकल चुकी है, प्रवेश पर प्रारंभ हो चुके हैं, तो ट्वेल्थ के बाद आप सीधा PTI की तरफ कैसे जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षक बनने का एक अच्छा अवसर रहता है ट्वेल्थ के बाद, तो इस नए बात इसको पूरा कंप्लीटली समझने के लिए वीडियो फुल वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यहाँ पर इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड अपडेट की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो इसके लिए जो वेबसाइट है jpcjodhpur.in, इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एडमिशन है क्लिक हर, यहाँ पे कम्प्लीटली एडमिशन स्टार्ट्स हो चुके हैं जो पे, इस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में चलिए हम वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम विवरणिका में आ चुके हैं, DPEd की जो विवरणिका है कम्प्लीटली इसमें, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक कोर्स है, इसमें कम्प्लीटली आपको 200 कार्य दिवस होंगे एक सेशन में, और इसकी अगर मान्यता है जो कम्प्लीटली है, और प्रवेश हेतु महाविद्यालय में सीटें एवं परीक्षा की संबंधता, दोस्तों इसके लिए दो कॉलेज है हमारे राजस्थान में, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर 50 सीटें और रीजनल TT कॉलेज प्रतापगढ़ 50 सीटें यहाँ पर भी है। दोनों शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से संबंधता है। कुल 100 सीटों पर DPEd में एडमिशन प्रतिवर्ष करवाए जाते हैं। DPEd से 500 होने वाले स्टूडेंट्स जो शारीरिक शिक्षक की जो भर्ती वगैरह आती है बाद में उसमें सीधा अप्लाई कर पाते हैं। खेल अंकों के निर्धारण के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वेटेज दिए गए हैं, इस हिसाब से आपकी जो मेरिट है कम्प्लीटली उसका जो निर्णय लिया जाता है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उसका असर रहता है। अब अगर हम इसकी विज्ञप्ति की शॉर्ट विज्ञप्ति की बात करें तो दोस्तों DPEd में जो आपका एडमिशन है उसमें कम्प्लीटली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है कोर्स है शारीरिक शिक्षा का, इसमें टोटली 50+50 100 सीटों पर एडमिशन होता है। 10+2 आपका होना चाहिए, मतलब आपके 12th पास होनी चाहिए, उसके बाद आपका खेलकूद में जो विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया हुआ अनिवार्य होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को आधार मानते हुए 18 से 23 वर्ष की इसमें एज की लिमिट रखी गई है, और उसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी, और इसके लिए आपको www.jpcjodhpur.in जो वेबसाइट है वहां पर आपको 1/7/2020 से लेकर 27/7/2020 तक अप्लाई कर देना है, और उसकी जो हार्ड कॉपी है फॉर्म की जो प्रिंट निकलेगी और जो उसके दस्तावेज हैं उसके साथ आपको ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट है उसको लगाकर 5 अगस्त 2020 5:30 बजे तक जो एड्रेस में अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ उस एड्रेस पर आपको कम्प्लीटली सेंड कर देना है। इसकी जो प्रोसेस है दोस्तों, जो कम्प्लीटली विज्ञप्ति निकल चुकी है और उसकी लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी 5 अगस्त से पहले भेजनी है, 27/7/2020 से पहले अप्लाई कर देना है, और 5 अगस्त से पहले आपको स्पीड पोस्ट से बाय पोस्ट DPSC जो जोधपुर के है वहां पर आपको कम्प्लीटली भेज देना है। उसके बाद आपके जो शारीरिक जो फॉर्म की जाँच होगी 17 अगस्त तक, 21 अगस्त को आपका जो इंटरनेट से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे, और 31 से 3/9 तक आपके शारीरिक शिक्षा मतलब जो शारीरिक दक्षता का एग्जाम्स होते हैं वो हो जाएंगे। प्रवेश शुल्क 14/9/2020 तक जमा होगा, 15/9/2020 से आपके जो कॉलेज में एडमिशन कम्प्लीटली हो जाएगा और DPEd का सेशन चल पड़ेगा। DPEd की और मेन बातों की बात करते हैं तो DPEd में दोस्तों आपको 2020 में जो 27 साल से पहले आपको फार्म लेना है, अब बात आती है जो उस फार्म को भर देने के बाद कहाँ से आपको उसको कैसे सेंड करना है। सबसे पहले दोस्तों आप फार्म भरना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे DD का नंबर मांगा जाएगा, तो आपको ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जोधपुर के नाम से बनवाना है, आप बैंक में जाके बोलिएगा जहाँ भी आपका अकाउंट है तो वहाँ पर ये DD बना दी जाएगी, और उसको वहाँ पे DPEd में फिर आपको अप्लाई कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है जो DD बनाओगे आप डिमांड ड्राफ्ट वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जोधपुर के नाम से ही बनवाना है, ₹250 का DD, इसको बनवा कर फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, और उस जो कम्प्लीटली फॉर्म भर के और उसके साथ जो दस्तावेज लगाते हो इसको कम्प्लीटली ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम मोबाइल नंबर जरूर लिखे, और प्राचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय फोर्स बस स्टैंड के पास जोधपुर आपको डाक द्वारा या व्यक्ति से अगर नज़दीक में है तो आप व्यक्ति से बाकी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से 5 अगस्त 2020 5 बजे तक वहां पे भेज देना है। किसी भी हालत में अपना ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय एयरफोर्स बस स्टैंड का जोधपुर में होगी, जो शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को लास्ट की मेरिट में शामिल किया जाएगा, मतलब आपको फिजिकल एजुकेशन में पास होना बेहद कंपलसरी है, और आपको जो व्यक्ति से डाक पर ये फॉर्म भेज देना है। ये तो मैंने आपको मेन बातें बता दी, अब दोस्तों सीधा चलते हैं वापस विवरणिका में, और यहाँ से कम्प्लीटली कुछ और बातें बच रही हूँ देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको कम्प्लीटली यहाँ पर कम्प्लीटली बता ही दिया। अब जो बात मैंने बचती है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आयोजित करवाई जाएगी, एज के बारे में आपको पहले ही बता दिया, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपको करवाई जाएगी उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाएगी, आपको किस किस प्रकार के टास्क दिए जाएंगे, ये देखिए दोस्तों पुरुष वर्ग के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है वो यहाँ पर 100 मीटर दौड़ और ये सारी मापदंड है, आपको जितनी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कैटेगरी में रन नंबर मिलेंगे, 800 मिनट 100 मीटर दौड़ गोला फेंक लंबी कूद ऊंची कूद, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस अकॉर्डिंग रहेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छे से नंबर्स मिल सकें, और महिला वर्ग के लिए यहाँ पर इस प्रकार की पूरी एक्टिविटी है और इस प्रकार से पूरे नंबर मिलेंगे 100 में से, तो जितने 100 में से जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके आगे की जो
प्रोसेसिंग है वो होंगी। आप फिजिकल के लिए जा रहे हो उस दिन आपको ये जो ड्रेस कोड है इस ड्रेस कोड का पालन करना है। तो दोस्तों डीपीएड करके आप सीधा फिजिकल एजुकेशन के जो इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे बीएसटीसी होती है और आप सीधे थर्ड ग्रेड टीचर बन पाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग डीपीएड करेंगे तो आप सीधा जो पीटीआई का जो एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, जो वैकेंसी निकलेगी उस टाइम आप सीधा अप्लाई कर पाएंगे और आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ डीपीएड रिलेटेड कुछ क्यूरीज है जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इस रिलेटेड मैं श्योर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इसी प्रकार के हेल्पफुल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलेंगे और किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।